हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका एम टू की ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन देखकर इस यूनिट का समापन करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि करवाऊंगा तो कम से कम आधा घंटे से लेकर 45 मिनट मुझे चाहिए इसको करने के लिए और हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है। तो आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन इतना कुछ आपको बता चुका हूँ, लिमिट निकालना कि आप इसको कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई के प्लस जेड जे के प्लस वाई जेड के टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय वाई एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू वन। मतलब कि एक क्यूब बनाना है हमें जिसकी हमको लिमिट्स दी है। एक्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगी, एक्स की एक्सिस जीरो से वन तक, ये एक्स एक्सिस से जीरो से वन तक एक्सटेंड कर दी। वाई एक्सिस एक्सटेंड हो रही है जीरो से वन तक, मतलब कि वाई भी जीरो से वन पे एक्सटेंड होगा। जेड भी एक्सटेंड होगा जीरो से वन तक, मतलब जेड ऊपर की साइड भी जीरो से वन तक एक्सटेंड होगा। तो ये तीन पॉइंट इनके अपन को अकॉर्डिंग एक क्यूब बनाना है, तो ऐसा कुछ क्यूब बनेगा। ठीक है, उसकी क्यूब की सारी जो भी कॉर्नर्स हैं उन सबकी हमारे पास मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रख दी है। ठीक है, अब इस क्यूब में 6 प्लेन बनेंगे अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 प्लेन 6 सरफेस इस पर बनती है। सर देखो, अगर एक क्यूब है, आपने पासा देखा है, एक पासा, पासे में 6 सरफेस रहती, 1 2 3 4 5 6, वही 6 सरफेस इस क्यूब पर बनेगी। गॉस डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला होता है के लिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वेक्टर एफ एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डी डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डी वी। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ कैसे निकालेंगे, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई जेड, मतलब एक तरफ से वैक्टर एफ को हमने ब्रॉड प्रोडक्ट करा है किससे, डाइवर्जेंस से। तो ये कुछ ऐसा आएगा डेल एफ, इसका हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स हमारी तीनों की रहेगी 0 to 1 0 to 1 0 to 1। ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा 3/2। ठीक है, बहुत आसान है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो जब डबल इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, तो 6 प्लेन का S1 S2 S3 S4 S5 S6 सबका हम अलग अलग डबल इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग डबल इंटीग्रेशन करेंगे, सबका अलग अलग एन कैप आएगा। ठीक है, उसको पुट करके हम जब सॉल्व करेंगे सबको, तो S1 जैसे कि हमारा 0 आ गया, अब इसको पॉज करके देख लेना कैसे करा है सॉल्व। S2 हमारा यहाँ पर आ गया 1/2, S3 हमारा आ गया 0, S4 आ जाएगा हमारा क्या आ गया 1 आ गया, S5 हमारा -1/2 आ गया, S6 हमारा आ गया 1/2। इन सब को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें 3/2 मिलेगा और यहाँ से हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है, लिखने के बाद खुद से इसे पूरा सॉल्व करके देखना है। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको इस सॉल्यूशन को आपको देखना है। अब आप इस चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद में इसे नोट डाउन करिएगा, इसके बाद में इसको नोट डाउन करिए, देन इसे नोट डाउन करिए। तो ये थी हमारी पूरी यूनिट मल्टीपल इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस। इसको हमने 2 पार्ट में देखा था, मल्टीपल इंटीग्रेशन देखा था जिसमें हमने सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन देखा था हमने। हमने देखा कि लिमिट्स कैसे निकाली जाती है तीनों में अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लिमिट निकालना ही है। ठीक है, लिमिट निकालने के बाद में हमने वेक्टर कैलकुलस पर आए थे हम, और वेक्टर कैलकुलस के हमने क्वेश्चंस देखे थे हमने, उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, हमने देखा था डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, फिर हमने स्टोक्स थ्योरम क्या होती है,
ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, ग्रीन थ्योरम क्या होती है, सबको अपने वन बाय वन देखा था। ये यूनिट मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, पर ये मेरी तरफ से ख़त्म हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भी ख़त्म हो गई है, आपकी तरफ से ये यूनिट अब जाकर शुरू हुई है। ठीक है, आपको इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके करने हैं, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ ये है कि मैं आपके डाउट का हैंड टू हैंड आंसर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई थोड़ी सी टाइम बाउंडेशन है, मैं पूरे टाइम अभी आपके आपके ही वीडियो बनाने में बिजी रहता हूँ। ठीक है, एक बार आपका एक सिलेबस मेरे से कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके एक एक करके सबके डाउट्स में क्लियर करते जाऊँगा, या नहीं होगा तो आपके तीन चार लोगों के सब डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास में, तो उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।